ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, साल 2023 खत्म होने वाला है और कुछ ही समय बाद नए साल 2024 की शुरुआत होगी। हर किसी के मन में ये जानने की उत्सुकता बनी रहती है कि आखिर आने वाला नया साल मेरे लिए कैसा रहेगा। क्या अभी जो मेरे परेशानियां बनी हुई है वो नए साल में खत्म होगी या ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा। अगले साल 2024 में मेरा विवाह का योग बनेगा या नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नए साल 2024 की शुरुआत से ही हर एक ग्रह की स्थिति में बदलाव हो रहा है। जैसे कि भगवान शनिदेव अपनी राशि में विराजमान रहने वाले हैं, उसके अलावा देवगुरु बृहस्पति भी परिवर्तित होंगे, साथ ही राहु और केतु का भी बदलाव होगा। ऐसे में आने वाला साल 2024 जो है वो पांच राशि वाले लोगों के जीवन में उनका भाग्य उदय कराने वाला है। यानी कि साल 2024 की शुरुआत से ही पांच राशियां ऐसी रहेगी जिनकी किस्मत एकदम से चमकने वाली है। पांच राशि वाले लोगों का साल 2024 में भाग्य उदय होने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो साल 2024 की सभी भाग्यशाली राशियां। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए नए साल 2024 की सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। जैसे कि लाला राम, लीला, लेखराज, चौथमल, अंकित, अरुणा, लोकेश, इस तरह से जिनका भी नाम ए एल या सी अक्षर से शुरू होता है उनकी मेष राशि होती है। मित्रों, मेष राशि की शुरुआत से ही देवगुरु बृहस्पति जो है वो मई तक विराजमान रहेंगे और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 2024 की भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली राशि चक्र आती है मेष राशि, जो कि साल 2024 में ग्रह और गोचर की दृष्टि से बहुत ही अच्छी और उपयुक्त बनी हुई है। मेष राशि वाले व्यक्ति जो भी अपना स्वयं का कारोबार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हैं ना, उनको सफलता मिलने के प्रबल योग बनेंगे। इस साल 2024 में आपके जो भी रुके हुए काम थे या रुके हुए प्लानिंगें थी वो पूरी होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। इसके साथ ही कानूनी मामलों में भी आपको सफलता मिल सकती है। लंबे समय से जो भी आपके रुके हुए या अटके हुए काम थे ना, वो एक बार फिर से शुरू होने की संभावना है। और साथ ही जो भी व्यक्ति व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, उनको इस साल 2024 में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट प्राप्त होगा। इस साल 2024 में माता लक्ष्मी जी और देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से 15 जनवरी से ही आपके लिए समय जो है ना वो बहुत ही अच्छा और अनुकूल बन रहा है। ऐसे में इस साल आप काफी अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे और साथ ही धन की बचत भी होगी। उसके अलावा अगर आपके ऊपर कर्ज हो रखा है तो धीरे धीरे कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं और उनकी मेष राशि है, वो साल 2024 में अपने वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे, जिससे इस साल मार्च के आसपास आपका प्रमोशन होने का योग बन रहा है और साथ ही आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, इनकम में सुधार होगा। नए साल में अगर आप कोई भी अच्छा पद प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी संभव बन रहा है। उसके अलावा जो व्यक्ति बेरोजगार है, कई दिनों से किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे ना, तो उनकी यह तलाश अब धीरे धीरे पूर्ण हो सकती है। और इसके अलावा आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपके धन की बचत भी होगी। कुल मिलाकर दैनिक इनकम में आपके बढ़ोतरी होगी। और साथ ही अगर आप विवाहित है, मैरिड लाइफ में है, तो आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां प्राप्त होगी। उसके अलावा मैरिड कपल को संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। और साथ ही जो मेष राशि वाले कुंवारे हैं, जो सिंगल है और कई दिनों से किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे ना, तो मार्च और अप्रैल के आसपास आपका जो रिश्ता है वो फाइनल हो सकता है और आपका विवाह का योग भी निश्चित होगा। चलिए जान लेते हैं साल 2024 की दूसरी भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नौ ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब शुरू होंगे, नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा। यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकलने में आ रहा है, आने वाला नया साल 2024 आपके लिए कैसा होगा उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस
उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का संबंध होने जा रहा है, विवाह होने जा रहा है, आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में है और उससे लव मैरिज करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, यानी कि अष्टकूट रीति से दोनों का गुण मिलान करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी फीस में आप अपने संपूर्ण महाजीवन की भविष्य कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए साल 2024 की अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही हु हे हो डा डी डू डे और डो से शुरू होता है उनकी कर्क राशि होती है। मित्रों सबसे पहले तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। आपको बता दें नए साल की शुरुआत से ही कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति जो है वो 10वें भाव में विराजमान होंगे, ऐसे में देवगुरु बृहस्पति के शुभ आशीर्वाद से साल 2024 में जनवरी के बाद से ही कर्क राशि वाले लोगों की इनकम में तेजी से बढ़ोतरी होगी, आपका जो झुकाव है वो अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा, धर्म और कर्म के काम में आपकी रुचि बनेगी। उसके अलावा आपकी राशि में शुक्र और बुध देव दोनों ही पंचम भाव में विराजमान होंगे जिससे बुधादित्य राजयोग बनेगा और बुधादित्य राजयोग कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और साथ ही आपको धन का लाभ भी दिलाएगा, आपको इनकम के नए नए माध्यम नए नए स्रोत खुल सकते हैं। उसके अलावा न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी की कृपा से आपको अपनी मेहनत का पूरा फल भी मिलेगा, जो भी नौकरी करने वाले या जॉब करने वाले व्यक्ति है ना उनको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा जिससे आपको प्रमोशन के साथ कोई भी बड़ी जिम्मेदारी सकती है और उसके अलावा परिवार के साथ जो आपका समय है ना वो हंसी खुशी के साथ बीतेगा। समाज में कर्क राशि वाले लोगों की मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और साथ ही आपको अलग अलग जगहों पर यात्रा के योग भी बनेंगे और जो भी बिजनेस के रिगार्डिंग आप यात्राएं करोगे ना वो यात्राएं आपके लिए सफल भी बनेगी, आपकी पर्सनालिटी और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही सुधार देखने को मिलेगा और नए साल 2024 में आप ऐसे उच्च अधिकारियों से मिल सकते हैं चाहे राजनीतिक जगत के हो, उनसे आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं अगले साल 2024 की तीसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो ना नी नो ने नो या ये और यू से शुरू होता है उनकी वृश्चिक राशि होती है। मित्रों वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए नए साल की शुरुआत में यानी कि जनवरी से ही भगवान सूर्य देव के साथ मंगल देव जो आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे, यानी कि मंगल देव और सूर्य देव दोनों की ही युति आपकी राशि में एक साथ बनेगी जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उसके अलावा शुक्र देव और बुध देव भी आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाने वाले हैं। साल 2024 में अगर करियर की बात करें तो इस साल सफलता मिलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, नौकरी में आपको खूब सारा लाभ मिलने की संभावना है और इसके साथ ही आपका प्रमोशन का यानी कि पदोन्नति का भी प्रबलता के साथ योग बनेगा। जो व्यक्ति बेरोजगार है कई दिनों से किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे ना तो जनवरी फरवरी के महीने में ही आपकी यह तलाश पूर्ण होगी और आपको अपने उपयुक्त अच्छी और शानदार नौकरी मिलेगी। परिवार के साथ आपका जो समय है वो बहुत ही अच्छा बीतेगा और जो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं चाहे कोई भी उच्च शिक्षा की प्राप्ति कर रहे हैं या फिर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट स्कूल वगैरह मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं ना ऐसे लोगों को 2024 जो है ना वो किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। उसके अलावा आपके राहु के पंचम भाव में विराजमान होने से भी बुद्धि का विकास होगा और साथ ही आपकी वाणी की जो वाक पटुता है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी। लव लाइफ की बात करें तो वो पहले की तुलना में बेहतर होगी, करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे और साथ ही कुल मिलाकर साल 2024 जो है ना वो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लेकर आएगा। चलिए साल 2024 की अगली जो भाग्यशाली राशि बनती है ना वो आती है कुंभ राशि,
जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है उनकी कुंभ राशि होती है, जैसे कि शारदा, सुमन, सुरेश, सोमनाथ, गंगाराम, गोमाराम, गोदावरी, इस तरह से जिनका नाम होता है ना उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है और कुंभ राशि के जो गुरु है वो वृषभ राशि में प्रवेश करके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पूरे साल भर ही 2024 में कुंभ राशि वाले लोगों के जीवन में शनिदेव की पूरी कृपा प्राप्त होगी। यानी कि 7.5 का जो ये चरण है ना, ये आपके लिए हर एक परिणाम में शुभ फल ही लेकर आएगा। कुल मिलाकर साल 2024 में आप जितनी मेहनत करेंगे आपकी मेहनत रंग लेकर आएगी और उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी और साथ ही भाग्य का पूरा साथ मिलने के कारण हर एक क्षेत्र में सफलता के योग भी बनेंगे। कुंभ राशि वाले व्यक्ति चाहे नौकरी करते हो या जॉब करते हो या फिर कोई भी स्वयं का व्यापार करते हो, साल 2024 जो है ना वो आपके लिए धन के भंडार भरने वाला है। कुंभ राशि वाले व्यक्ति साल 2023 में तो बहुत ही ज्यादा परेशानी में रहे थे। भगवान शनिदेव जो है ना वो आप ही की राशि में विराजमान है 7.5 साल तक के लिए, जिसकी वजह से कई बड़ी और परेशानियां आपके जीवन में पनप रही थी। लेकिन 2024 में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों का ही आपको आशीर्वाद मिलने वाला है, जिससे यह साल आपके लिए अच्छा और उत्तम बनेगा। जो विद्यार्थी है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, जैसे कि सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए भी यह समय अच्छा बीतेगा और समाज में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। आपको अपने परिवार का भी पूरा सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे और साथ ही आपको अपने भाग्य का पूरी तरीके से प्रबलता का योग बनेगा। वैसे कुंभ राशि वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि हर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, जिससे समय जो और भाग्य जो है ना वो आपके लिए एकदम से उत्तम बनेगा। चलिए जान लेते हैं साल 2024 की अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए नया साल 2024 जो है वो खुशियों से भरा रहने वाला है। इस पूरे साल में ही आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और उसके अलावा कई बड़ी उपलब्धियां हासिल होगी। अगले साल 2024 में आपको इन्वेस्टमेंट से अच्छा सा लाभ मिलने की संभावना है और साथ ही अपना आप स्वयं का कार, प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का योग बना रहे हैं ना, तो भी आपके लिए उत्तम होगा। नया साल 2024 आपके लिए कई क्षेत्रों में बहुत ही अनुकूल बनने वाला है। करियर के मामले में शानदार परिणाम मिलेंगे और साथ ही विदेश से आपको नौकरी का ऑफर आ सकता है। जो भी व्यापारी है, बिजनेस करते हैं तुला राशि वाले व्यक्ति, ऐसे लोगों को व्यवसाय में बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलने वाला है और साल 2024 में आप कई ऐसे बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं जो कि भविष्य में आपको बहुत ही अच्छा और शानदार प्रॉफिट दिलाएगी। तुला राशि वाले व्यक्ति जो कुंवारे हैं, सिंगल है और अपने लिए योग्य रिश्ते की तलाश कर रहे थे, तो जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने जो है ये आपके लिए बहुत ही अच्छे और अनुकूल योग बना रहे हैं। इन 3 महीनों में कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है वो फाइनल हो सकता है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस भाग्यशाली राशियों के अपडेट वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से